हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सीएट लिमिटेड। सीएट से जो भी गाड़ी चलाता है, जो भी टू व्हीलर चलाता है, वो सब वाकिफ है। सीएट टायर्स एंड रबर के बिजनेस में है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विद 3,661 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और टायर इंडस्ट्री में एक बहुत दिग्गज प्लेयर है सीएट। आज का हम इसका देखेंगे ग्राफ। तो आज इसने 4.65% का रिटर्न दिया है। आज ये इसका लो था 918 का और इसका हाई था 954 का, और ये 947 पे इसने क्लोजिंग दिया है। वन वीक का हम इसका चार्ट देखेंगे तो वन वीक में इसने 6.29% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वन मंथ का देखेंगे तो -4%, वन ईयर का देखेंगे तो -1%। तो करीबन एक साल पहले के रेट पे ये हमें फिलहाल मिल रहा है। आप देखेंगे तो ये 1100 के आसपास चल रहा था, और कोविड का जब ये लॉकडाउन ये सब के अनाउंसमेंट हुए तो ये लो पे हो गया था। 621 तक ये शेयर गया था और वहाँ से इसने एक बहुत अच्छा रिकवरी किया है। तो आई एम और बेसिक जरा इसमें देख लेते हैं डिटेल में कि क्या ये कंपनी है, उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बहुत ही डिटेल में, और क्या हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें है और कौन से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप पी रेशो देखेंगे तो 16.57 का पी रेशो है, और जहां सेक्टर का जो पी है वो 69.03 है। तो आप देखेंगे तो करीबन 5% 5 गुना से कम पी पे ये हमें मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। पी बी रेशो देखेंगे तो 1.3 का है, सेक्टर का 2.87 है, तो ये भी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 1.26 है, सेक्टर का 1 है, उसमें भी अच्छा है। और 67% ऑफ द एनालिस्ट ऑन टिकर टिप ने इसको बाय की कैटेगरी में रखा हुआ है। रिटर्न वर्सेस एफडी आप देखेंगे वो भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, एंड नो रेड फ्लैग्स, मतलब कंपनी में कोई भी तरीके की गवर्नेंस की इशू नहीं है। आइए हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं इस कंपनी का। तो फाइनेंशियल पे जब इसके नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे 17 में 5,813 करोड़, 18 में 6,335 करोड़, 19 में 7,000 करोड़, फिर 6,816 करोड़। आप नेट इनकम देखेंगे तो 361 करोड़, 237 करोड़, 252 करोड़, 231 करोड़। लॉकडाउन के होने के बावजूद 231 करोड़ का इसका नेट इनकम रहा है। अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे तो 57.16 का है। तो ये लिहाज से कंपनी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के बनता है। आइए हम एनएससी पे इसकी आज की डिलीवरी देख लेते हैं। एनएससी में 86,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से करीबन 47% से ज़्यादा की डिलीवरी उठी है, मतलब काफ़ी इन्वेस्टर लोग का इसमें रुझान है। और जैसे कि आगे जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, जैसे जैसे जो गाड़ियों का यूज़ है वो बढ़ेगा, तो वैसे वैसे सीएट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, जैसे ही सब लॉकडाउन हटेगा, आदमी अपना गाड़ियाँ सर्विसिंग करवाना स्टार्ट करेंगे रीयूज़ करने के लिए, तो उसमें टायर की ज़रूरत ज़रूर लगेगी, तो सीएट का एक अच्छा फिर डिमांड आएगा आगे एक दो क्वार्टर में। आइए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये इसका वन ईयर का चार्ट है, और फिलहाल आप देखें तो ये इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 880 रुपीज़ का है। तो अभी ये प्राइस पे जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, 947 के आसपास अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको 880 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस है वो ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 921 का रहेगा, 921 और 921 के बाद 880 रुपीज़। तो ये दो जो स्टॉप लॉस है इसे आपको याद रखना है।
और ऊपर में अगर हम टारगेट की बात करें तो 1010-1020 इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा, और ऊपर में आप जाएंगे तो ऊपर में जैसे ही ये 170 क्रॉस करता है ये एक न्यू जोन में चले जाएगा, एक ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर करेंगे, और उसके बाद जैसे ही बाकी सारे धीरे धीरे एक दो क्वार्टर में डिमांड बढ़ेगी, इसमें आप 1400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें, और तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। और टायर सेक्टर में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक साबित होगा, ये आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूज ऑफ पेट्रोल डीजल सीएनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी चीज़ें बदलती रहेंगी, बट टायर जो है वो लगना ही लगना है ऑटोमोबाइल में, तो उस लिहाज से भी अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सीएट एक ऐसी कंपनी है जो एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए भी बहुत बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।